नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं विनय कुमार। आज बेगूसराय जिला के छुराही प्रखंड में परोरा पंचायत में ब्रह्मपुरा टोला के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या नाम, विनोद कुमार दास जी। एक्चुअली इनके साथ जो है आज से 10 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, एक सप्ताह पहले लगभग, डेट उसमें है, डेट बाय डेट हम वो आपको सारा चीज़ दिखाएंगे। एक आदमी फोन करके कौन बनेगा करोड़पति में सहभागिता करते हुए इनके नाम पर इनसे 31,000 रुपया फर्जरी करके ठक लिया गया है। जिस अकाउंट पर वो मंगवाया है वो अकाउंट नंबर है, जिस आदमी का अकाउंट है उनका नाम है, अकाउंट होल्डर का नाम है और एड्रेस में रक्सौल बता रहा है। और ये बेचारा गरीब गुरबा मजदूरी करने वाले आदमी, इनको लगा कि वास्तविक में हम करोड़पति बन रहे हैं, 25 करोड़ के चक्कर में ये अपना 30,000 रुपया कमाया हुआ जो है, बड़ा मेहनत से कमाया वो पैसा, उसमें दे दिए हैं। अब ये अपना गुहार जो है सरकार और सिस्टम से, प्रशासन से लगाना चाहते हैं ताकि इनका पैसा जो डूबा हुआ है वो ऊपर हो और साथ साथ और किसी का भी पैसा इस तरह से ना डूबे, इसलिए ये अपना पूरा दुख व्यथा और किस तरह से इनको ठगा गया इसके बारे में ये जानकारी देंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आप कहाँ का रहने वाले हैं ये पहले बता दीजिए ताकि दर्शक जाने। घर हुआ मेरा परोरा जी, जिला बेगूसराय, पटना सराई, थाना सराई। क्या सब आपके साथ हुआ वो हमको विस्तार से बताइए, शुरू में क्या सब कहा? पहले एक पहला मैडम का फोन आया जी, उन्होंने बोला कि 4 नंबर का आपका लॉटरी लगा है। अच्छा, 25 लाख का लॉटरी है, आप कोई एक आदमी के नाम बताया, उनसे बात कीजिए, उनका नाम लिखा हुआ है कागज में, उनको हम नाम उनसे फ़ोन किए, वो उन्हें बोला कि हाँ ठीक है, आपको अथी लगा लॉटरी लगा, ऐसा कीजिए नंबर बताइए, हम नंबर टोटल बताएं, बोला हाँ ठीक है आपका लॉटरी लगा है। उसके बाद बोले कि ठीक है अपना पासबुक और बैंक खाता भेजिए और हम उसमें अथी करेंगे। तो हमने बैंक खाता और अथी भेज दिए, तो तुरंत ने हमको एक चेक दिखाया, उसमें हमारा फ़ोटो और मोदी जी का फ़ोटो और एक आदमी और है बीच में, उनका फ़ोटो नहीं पहचानते हैं वो था। तो हम तीनों आदमी का फ़ोटो लगा के दिखाया, बोला कि ये 25 लाख का आपका लॉटरी लगा, और बोला 12,200 रुपये आपके इसका इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो इसलिए कि आप जाइए बैंक ये भरिए, आपको 25 लाख रुपये मिल जाएगा। हमने गए भरे, उसके बाद वो बोलता है कि ऐसा कीजिए कि आपका अभी ब्रांच छोटा पड़ रहा है इसलिए बड़ा ब्रांच करना पड़ेगा, 1.5 लाख या तो अपना खाता में जमा कीजिए, नहीं तो आप हमारे पास 16,000 भेजेंगे तो आपको हम यहीं से सॉल्व कर देंगे काम। हमें बोला ठीक है, हम 16,000 भेजे। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आपसे जब वो चेक टाइप का जो भेजा 25 लाख का, अच्छा चलिए 25 लाख का चेक भेजा, तब उन्होंने कहा कि आप 16,000 भेजिए? नहीं, तब बोला कि आपके लकी द्वारा हो गए, आपको एक कंपनी से 10 लाख का चेक और प्राप्त हुआ है, और ऐसा कीजिए घर जाएं और 16,000 रुपये और इसमें डालें तो आपको अकाउंट भी सही हो जाएगा और सब पैसा भी आप तुरंत कैश कर सकते हैं। कितना कैश करता वो? 35 लाख बोले। 35 लाख, अच्छा 35 लाख में आपको 16,000 डालना था? 16,000 डालना था। 16,000 डाल दिए? हाँ 16,000 डाल दिए। क्या दिन पहले डाले? 4-5 दिन पहले डाले, उस पर पुर्जी पे लिखा हुआ। अच्छा, पुर्जा देखे तो बाबू जी, वो 16,000 वाला ये हो जी, ये 16,000 को हमने पेटीएम कर दिए गढ़पुरा अति ब्रांच से जाके। वहाँ तो कैमरा इस पर फोकस कीजिए, इधर आइए नज़दीक, दिखाई देता है बढ़िया से। हाँ 16,000 पेटीएम कर दिए? हाँ 16,000 पेटीएम किए। उसके बाद बोलते हैं 14,000 रुपये और डालिए जी, तो बोले हमारे पास तो है ही नहीं, बोले कि मकान गिरवी रखिए, खेत पथार गिरवी रखिए, चाहे ज्वेलरी गिरवी रखिए। हमने बोले कि सब हमारे पास तो है ही नहीं, हम रखेंगे क्या, हम गरीब आदमी हैं, 300 रुपये के रोज़ कमाते हैं, बाल बच्चे पढ़ाते लिखाते हैं, कमाते हैं खाते हैं बस। बोलते नहीं तो होगा नहीं, ऐसा कीजिए फिर आपने कैसे भी कीजिए, फिर आप 14,000 रुपया डाले क्या? नहीं 14,000 नहीं डाले, हमने बोले इसको उनको क्या ऐसा कीजिए हमारा पैसे लौटा दीजिए, तो बोला कि 3,000 रुपये अभी अकाउंट में
एटीएम कर दीजिए, एटीएम कर दीजिए, अभी हम आपको हम अभी 28,000 रुपये वापसी कर रहे हैं। हमने बोले ठीक है, तो 3,000 फिर शाम को हमने डाल दी, पेटीएम कर दिए, तो उसका भी नंबर है हमारे पास मोबाइल में, पेटीएम जो कहाँ जांच किए उसी नंबर पर चंदे ने खाते पे फिर पेटीएम किया। एक ही दिन में हमने 31,360 रुपये उनको कर दिए सब काम। अच्छा, पूरा टोटल 31,360 रुपया पेटीएम किए, पेटीएम पेटीएम से लेके अकाउंट में डाले। अकाउंट उन्हीं के अकाउंट पर नहीं डाले, उन्हीं के अकाउंट पे, एक ही अकाउंट पे सब पैसे डाले हैं। इसको थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखाइए, इन अकाउंट पे डाले हैं ना, इस अकाउंट पे डाले हैं। तो उसके बाद उन्होंने पैसा नहीं भेजा क्या? उसके बाद भी वो पैसा नहीं भेजा हमारा, बोले 28,000 आपको वापसी आएगा, वो भी नहीं दिए। बोले कि ठीक है, हम कोरोना जिसे कौन है वो उनसे बात कर रहे हैं, आपका इसी में कॉल कर देंगे। फिर कल हो के क्या बोलते, रात में बोलता है कि 9 बजे के लगभग, 8:30 के लगभग हमको बोला कि ऐसा कीजिए, आप सवेरे जाइए बैंक, पहले अपना पैसा निकालिए और उसके बाद फिर 14,000 रुपये अब और भेजिए। तो हमने बोले कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो बोले कि उसी में से भेज दीजिएगा। फिर हमने बैंक गए, बैंक में फिर भी पैसा नहीं, बोला कि कम से कम 11,000 रुपये डालना ही पड़ेगा। तो हमने बोले नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हम डालेंगे कहाँ से। बोला नहीं डालिए, बोले फिर बोले, बोला ठीक है, हम 31,000 का आप जानते हैं, 31,000 आपको लौटा देंगे। तो क्या आपको 31,000 मिला? बैंक गए तो बैंक में आप मैनेजर से कंप्लेन किए कि ऐसा ऐसा बात है? हाँ, मैं मैनेजर से कंप्लेन किए हैं, सब बात खोल दिए हैं मैनेजर को। बोले ठीक है, आप एप्लीकेशन दीजिए, लिख के एप्लीकेशन लिख के दे दिए मैनेजर ने। तो मैनेजर को हमने एप्लीकेशन लिख के उनके बारे में दे दिए हैं, और हम अपना आधार कार्ड नंबर सब वहाँ छोड़ आए हैं, फोन नंबर मोबाइल नंबर हम मैनेजर को छोड़ आए हैं। बोले कि जैसे ही कुछ होगा तो हम फोन करेंगे। मतलब बैंक कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अगरपुरा ब्रांच है। अच्छा अच्छा, ब्रांच मैनेजर बोले कि कोई काम होता है तो हम उसको देखेंगे। हाँ, उसका बैंक अकाउंट तो होल्ड कर दिया, यानी बैंक अकाउंट उसको होल्ड कर दिया। अच्छा, इसमें कुछ पैसा आ जाता है तो उसके बारे में हम सोचेंगे। उसके बारे में आप कंप्लेन कर दिए हैं? लिखित थाना में या कोई प्रशासनिक कार्रवाई और किसी तरह का एप्लीकेशन कहीं दिए हैं? हम कहीं नहीं दिए एप्लीकेशन, कहीं एप्लीकेशन नहीं दिए, नहीं दिए। तो अब जो है, अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, हम सरकार को गुहार लगाएंगे, इसके बारे में कुछ कार्रवाई किया जाए। तो आप पहले, इससे पहले आप थाना में जाके FIR करना पड़ता है जो लॉ के हिसाब से, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। हम आपको न्यूज़ के माध्यम से, तब तक जो आपके साथ हुआ और किसी के साथ ना हो, मैं इसलिए इस न्यूज़ को, जो भी मेरे व्यूवर देखें उनको इस न्यूज़ को लाइक और शेयर करें। जितना लाइक और शेयर कीजिएगा उतने आदमी ये हैकर से वंचित रहेगा, नहीं तो ये सैकड़ों हैकर के फंदे में फंस जाएंगे। जैसे ये मूर्ख है, इनको नहीं पता है कि भाई ये लोग ठकने वाले बहुत सारे साइबर क्राइम का लोग बैठे हुए हैं इस देश में। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग यह वीडियो देखें उसको लाइक और शेयर करें। और आप FIR अभी तक नहीं किए हैं ना? नहीं, FIR नहीं किए हैं। जाके एप्लीकेशन दीजिए, मैं न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारत को दिखाना चाहूँगा और आपको इंसाफ मिलेगा, मैं इसका कामना करता हूँ। मैं जिला पदाधिकारी बेगूसराय से गुहार लगाता हूँ कि आपको न्याय दिलवाएं और आपके बुरे हुए पैसा को वापस करें। आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए बैंक में, थाना में, DSP के पास, और फिर अपनी प्रक्रिया में आप शामिल होंगे। आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं मजदूरी में? 300 रुपया। 31,000 कमाने में काफ़ी टाइम लगा होगा? 3 महीने लगा था। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे हैं BT News बिहार, मैं हूँ विनय कुमार।